हमारे पास इस वक्त बड़ा अपडेट आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में दीदी की यानी टीएमसी की सरकार के एक बार फिर से आसार बन रहे हैं। रुझानों में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है और सबसे हॉट सीट नंदीग्राम, जहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी तो टीएमसी की और खुद ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरी, वहां पर जरूर ममता दीदी पीछे चल रही है, लेकिन ओवरऑल अभी तक के रुझानों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी आगे चल रही है 184 सीट्स के साथ लीड बनाते हुए और बीजेपी 104 सीटों के साथ लीड बनाते हुए पश्चिम बंगाल में टीएमसी से पीछे चल रही है। इधर दूसरी तरफ देखिए, पश्चिम बंगाल के बाद महत्वपूर्ण तमिलनाडु का भी चुनाव हो जाता है। तमिलनाडु के चुनाव रुझानों की हम बात करें तो डीएमके आगे चल रही है, पहली बार जयललिता और करुणानिधि के बगैर यहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। केरल के चुनावों की बात करें तो देखिए, केरल में भी काफी दिलचस्प यहां पर देखने को मिल रहा है रुझान। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो यहां पर एक दूसरे के विरोध में, केरल में एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। रुझानों में फिलहाल एलडीएफ आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। और इधर देखिए, पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य है, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कांग्रेस फिलहाल सत्ता में है, लेकिन यहां पर भी रुझान काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पुडुचेरी चूंकि केंद्र शासित राज्य है, यहां पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है।